हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माय नेम इज़ अंजलि। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एचसीपी फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न और जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे यूनिट वाइज वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की आप प्लेलिस्ट देख रहे हो आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इन वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड वन मोर थिंग कि इन केस अगर मैं आपका रिप्लाई थोड़ा लेट करती हूँ या फिर रिप्लाई नहीं कर पाती तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हो चुकी हैं। हर सेमेस्टर के जो वीडियोज़ हैं वो ओपन हो रहे हैं, तो आपके काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स हैं, तो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना, वीडियो भी बनाना है और आपके रिप्लाई भी करने। तो इन केस अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, वैसे तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ करने का, तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर दिया करो। जहाँ पर मुझे आपका मैसेज जो है वो ऊपर दिखेगा मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूँगी। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर वन, टू विच कंट्री अहमद शाह अब्दाली बिलोंग्ड, हाउ मेनी टाइम्स ही इन्वेडेड द पंजाब। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे और कितनी बार उन्होंने पंजाब में इन्वेड किया था, एंट्री ली थी। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अफगानिस्तान कंट्री से बिलोंग करते थे और 8 times उन्होंने पंजाब वाले एरिया पर अटैक किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्लेस इन लाहौर इज़ पॉपुलरली नोन एज शहीद गंज एंड वाई। कौन सी जगह को लाहौर में शहीदगंज कहा जाता है और क्यों। जकरिया खान द गवर्नर ऑफ पंजाब लेट लूज अ रिगेन ऑफ टेरर लीडिंग टू लार्ज स्केल प्रोसिक्यूशन ऑफ द सिख ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप, थाउजेंड्स ऑफ सिख्स वर मैसेकर्ड नियर द दिल्ली गेट एट लाहौर। तो जकरिया खान जो उस टाइम पर गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने लोगों में डर फैलाने के लिए उनको जो है मारना स्टार्ट किया जो उनकी बात नहीं समझते थे, उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते थे। तो यहाँ पर हज़ारों ही सिख जो है उन्हें शहीद किया गया दिल्ली गेट लाहौर में। दिस प्लेस केम टू बी नोन एज शहीदगंज, तो इसीलिए लाहौर को शहीदगंज जो है वो कहना स्टार्ट उन्होंने किया। द प्लेस ऑफ मैट्रस, जहाँ पर लोगों को शहीद किया गया है। इट वॉज हेयर दैट द सिख लेटर ऑन बिल्ड गुरुद्वारा शहीदगंज, और बाद में जाकर सिख कम्युनिटी ने यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया, गुरुद्वारा शहीदगंज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज नदीर शाह। नदीर शाह वॉज अ रूलर ऑफ ईरान हु अटैक्ड मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला इन 1738। तो नदीर शाह जो थे वो ईरान से आए हुए एक रूलर थे जिन्होंने मुगल एम्पायर जब यहाँ पे इंडिया में था तब उनको अटैक किया था, और उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, मोहम्मद शाह रंगीला 1738 में। ही मैसेकर्ड बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन पंजाब, तो दोनों पर अटैक किया था, मुस्लिम्स पर भी किया था हिंदूज पर भी किया था पंजाब वाले एरिया में। अंडर द रॉयल ट्रेजर ऑफ द मुगल्स, और मुगल्स के जो ट्रेजर्स थे जो इंपॉर्टेंट पैलेसेस थे उन सबको तबाह किया था। वाइल ही वॉज रिटर्निंग टू हिज कंट्री विद इमेंस बूटी प्लंडर्ड बाय हिम एट दिल्ली। तो जब वो अपनी कंट्री वापस जा रहे थे ईरान इतना सारा पैसा और सब कुछ कीमती सामान लेके, ही वॉज सडनली अटैक्ड बाय द सिख फ्रॉम द रेयर एंड डिप्राइव्ड ऑफ हिम सच ऑफ हिज रिचनेस एंड बूटी। तो सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों ने जो है नदीर शाह पे अटैक किया था, उन्हें जो है यहाँ से जो प्रीशियस चीज़ें हैं वो ले जाने से रोका था। क्वेश्चन, नेम द मिसल टू विच महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग। तो मिसल यानी कौन से ग्रुप से जो थे महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, सुकर चाकिया मिसल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज अ फाउंडर ऑफ सुकर चाकिया मिसल एंड वट वॉज इट्स कैपिटल। तो किसने फाउंड किया था ये वाला ग्रुप, चारत सिंह ने, और इसकी कैपिटल थी गुजरावाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिटी रिस्ट्रिक्टेड महाराजा रंजीत सिंह टू एक्सटैंड कंट्रोल ओवर सिस सतलुज स्टेट। कौन सी ऐसी संधि थी जिसने महाराजा रंजीत सिंह को अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने से रोका। ट्रिटी ऑफ अमृतसर 1809, ये इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ साइन की थी, उसके बाद जो पावर है महाराजा रंजीत सिंह की वो काफ़ी कम हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो चाइल्डहुड यानी बचपन का नाम उनका था बुद्ध सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिसल विद विच महाराजा रंजीत सिंह वॉज रिलेटेड एंड हाउ ओल्ड वॉज ही असेंडेड द थ्रोन। तो मिसल आपका अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, सुकर चाकिया मिसल, और जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तो वो कितने साल के थे, 12 साल के थे 1792 AD में। क्वेश्चन है, हु वॉज सदा कौर। सदा कौर वॉज अ मदर इन लॉ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, शी हेल्प्ड हिम अलॉट इन हिज अर्लियर पोलिटिकल करियर। तो सदा कौर जो थी मदर इन लॉ थी रंजीत सिंह की, और उन्होंने बहुत मदद की थी महाराजा रंजीत सिंह की जब वो अपने शुरुआती दौर में थे, जब वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना चाहते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह कॉन्कर लाहौर। कब उन्होंने लाहौर वाला एरिया जो है हासिल किया था, 1799 AD में, और उसको अपना कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव टू फैक्टर्स विच हेल्प्ड महाराजा रंजीत सिंह टू कॉन्कर लाहौर।
किन दो फैक्टर्स की वजह से महाराजा रणजीत सिंह जो है लाहौर वाला एरिया कैप्चर कर सके थे। लाहौर वॉज द हब ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सबसे इंपॉर्टेंट शहर उस टाइम पे लाहौर था, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी। वीकनेस एंड डिक्लाइन ऑफ द भांगी मिसल, यहाँ पर भांगी मिसल थी, एक ग्रुप था जो फेमस हुआ करता था, अब वो बहुत ही वीक थे, वो प्रॉपरली उस एरिया को कैप्चर करके नहीं रख सके, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से महाराजा रणजीत सिंह को ये चांस मिल गया कि वो इस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, नेम द फोर प्रोविंसेस इन टू विच महाराजा रणजीत सिंह डिवाइडेड हिज एम्पायर, बाय वॉट नेम वॉज इट्स गवर्नर कॉल्ड। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पूरे एम्पायर को फोर प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, और हर एक प्रोविंस में जो मेन हेड होता था उसको गवर्नर को कहते थे नजीम। क्वेश्चन है, हु वाज सरदार, राइट सम ऑफ हिज ड्यूटीज। द प्रोविंसेस अंडर महाराजा रणजीत सिंह वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो फोर प्रोविंसेस थी महाराजा रणजीत सिंह की, उन्होंने उनको फर्दर डिवाइड किया था प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जिलों में। हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था और उस हेड को हम सरदार कहते थे। दीज लीडर्स कलेक्टेड रेवेन्यू, डिस्पेंस जस्टिस एंड वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन दिस इन देयर डिस्ट्रिक्ट। तो इन लीडर्स का मेन काम क्या रहता था, रेवेन्यू इन टैक्स कलेक्ट करना, लोगों को इंसाफ देना और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोजास, द स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट अंडर महाराजा रणजीत सिंह वॉज अ विलेज विच वॉज कॉल्ड मोजास। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोविंस है, उन प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट को फर्दर गाँव में डिवाइड किया गया, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को मोजास उस टाइम पर कहते थे महाराजा रणजीत सिंह। द विलेजेस वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द पंचायत हु मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज। अब हर गाँव में पंचायत बनाई गई थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा जा सके। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अदालत अला, ड्यूरिंग रणजीत सिंह्स रूल अदालत अला एट लाहौर वाज द हाईएस्ट कोर्ट एंड हर्ड अपील्स। तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में जो लाहौर वाला एरिया, यहाँ पे अदालत अला बनाई गई थी जो उस टाइम का हाई कोर्ट था, और वहाँ पर लोगों के जो अपील्स है वो सुनी जाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह गवर्नमेंट, कि महाराजा रणजीत सिंह की गवर्नमेंट टैक्स किन किन चीज़ों से कलेक्ट करती थी। लैंड रेवेन्यू, नजराना, सॉल्ट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, फाइंस एंड जुडिशियल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई महाराजा रणजीत सिंह वॉज कॉल्ड शेर ए पंजाब। तो उन्हें शेर ए पंजाब क्यों कहते थे, क्योंकि वो फेयरलेस थे, वो किसी से डरते नहीं थे, एक्टिव थे, ब्रेव सोल्जर थे, ग्रेट वॉरियर थे, कॉन्करर थे, बहुत सारी ज़मीनें जो हैं, बहुत सारे एरियाज उन्होंने कैप्चर किए थे और बहुत ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही टुक ग्रेट डिलाइट इन फाइटिंग विद हिज एनिमीज एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। बहुत ही ब्रेवली अपने दुश्मनों के साथ फाइट करते थे, हर एक जो मुसीबत है उसको अच्छे से पार कर लेते थे। नो डेंजर कुड एवर चिल हिज स्पिरिट, कोई भी खतरा जो है उनकी स्पिरिट को ख़त्म नहीं कर सकता था। ही वॉज अ बॉर्न लीडर ऑफ मैन एंड लाइक सीजर, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, ही वॉज गिफ्टेड विद अ नेचुरल जीनियस ऑफ कमांड एंड ग्रेट मिलिट्री एबिलिटीज। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में हम कुछ फेमस लीडर्स का नाम लेते हैं, जैसे सीजर है, अलेक्जेंडर है, नेपोलियन है, जिन्होंने अपनी फार साइटेडनेस की मदद से और ग्रेट कैपेबिलिटी की मदद से बहुत सारे एरियाज कैप्चर किए। ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह थे जो बहुत ब्रेवली फाइट करते थे अपने एनिमीज के साथ और बहुत ही ब्रिलियंट मिलिट्री स्किल्स थे उनके, इसीलिए उन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, व्हेन एंड बिटवीन हुम द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन, तो किसके बीच में और कब ये ट्रीटी जो है साइन हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ऑन 25 अप्रैल 1809। तो ब्रिटिशर्स के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये जो संधि थी वो साइन हुई थी और डेट आपको याद रखनी है 25 अप्रैल 1809। बाय दिस ट्रीटी द सतलुज वॉज फिक्स्ड एज अ सदरन बाउंड्री ऑफ महाराजा रणजीत सिंह डोमिनेंस एंड बोथ द पावर्स बिकम फ्रेंडली टू ईच अदर। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि सतलुज के जो सदरन वाला एरिया है वहाँ तक महाराजा रणजीत सिंह की बाउंड्री डिसाइड की जाती है, उससे ज़्यादा वो एक्सपांड नहीं कर पाएंगे और दोनों ने एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो मेंटेन कर लिया इस ट्रीटी के बाद। क्वेश्चन है, नेम द प्लेस एंड ईयर व्हेन महाराजा रणजीत सिंह मेट लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो महाराजा रणजीत सिंह लॉर्ड विलियम बेंटिक से कब मिले थे, 1831 में एट रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड बिटवीन हुम वॉज साइन द ट्रीपिटाइट ट्रीटी। ये ट्रीपिटाइट ट्रीटी जो है किसके बीच में साइन हुई थी, ब्रिटिश, महाराजा रणजीत सिंह एंड शाह शुजा। तो तीन लोग थे इसीलिए ट्रीपिटाइट ट्रीटी लिखा है और डेट भी आपको याद रखनी है 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हुम द इंग्लिश गवर्नमेंट सेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह इलनेस। कि जब महाराजा रणजीत सिंह बीमार हुए थे तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने उनके ट्रीटमेंट के लिए किसको भेजा था। तो 1826 में महाराजा रणजीत सिंह जब बीमार हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर म्यूरे को भेजा था उनके ट्रीटमेंट के लिए।
क्वेश्चन है, गिव फोर कॉजेज विच लेड टू द डिके ऑफ द सिख स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह. महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद जो सिख कम्युनिटी है वो प्रॉपरली पंजाब वाले एरिया को कैप्चर करके नहीं रख सके, वो जो एरिया था ब्रिटिशर्स के पास चला गया, उसके क्या कारण थे. पहला, वीक एंड इनकैपेबल सक्सेसर्स, कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद जिन्होंने भी राजगद्दी संभाली वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उसको प्रॉपरली मेंटेन करके या फिर मैनेज करके रख सके एरिया को. द पावरफुल एंड टर्बुलेंट खालसा आर्मी, और उसके अलावा जो खालसा आर्मी थी वो बहुत ही पावरफुल थी, जो कि किसी भी सक्सेसर के लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे थे, उनकी खुद की आइडियोलॉजी थी वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते थे. पॉइंट है अनफेथफुलनेस ऑफ द डोगरा चीफ्स, जितने भी डोगरा चीफ्स थे जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में फेथफुल थे उनके साथ, वो सारे के सारे अनफेथफुल हो गए जो बाकी जब रूलर्स आए. पॉइंट कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अनेक्स पंजाब, तो बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे टैक्टिक्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खेले ताकि पंजाब वाले एरिया को वो कैप्चर कर सके. क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1845 से 1846 में, उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग. क्वेश्चन है, गिव द पीरियड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बाय विच ट्रीटी इट केम टू एन एंड, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का टाइम पीरियड क्या है, 13 दिसंबर 1845 से लेके 9 मार्च 1846, और ये कौन सी संधि, कौन सी ट्रीटी के साथ ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द पीरियड ऑफ सेकंड एंग्लो सिख वॉर, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर का टाइम पीरियड है 1848 से लेके मार्च 1849. सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ही ये जो पंजाब वाला एरिया है ये ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो गया था, यानी कि ऐड हो गया था. क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ इंग्लिश रेजिडेंट एट लाहौर आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद किस ब्रिटिशर्स को जो है अपॉइंट किया गया था एज अ इंग्लिश रेजिडेंट, सर हेनरी लॉरेंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंग्लिश वॉयलेट द नॉर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर्स के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको ब्रेक किया था. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है वो राजा गुलाब सिंह को बेचती थी, जो कि 1 करोड़ में उन्होंने उस टाइम पे बेची थी, और ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये क्लियरली मेंशन था कि वो जो एरिया है वो हमेशा महाराजा रणजीत सिंह के पास रहेगा, सिख कम्युनिटी के पास रहेगा. बट यहाँ पर इस चीज़ को बेच कर उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के जो रूल्स और नॉर्म्स है उसको वॉयलेट कर रहे हैं. आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज पंजाब एनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर, तो कब जो है पंजाब वाला एरिया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया था, 29 मार्च 1849 को डलहौजी जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे उन्होंने इस चीज का डिक्लेरेशन ग्रैंड दरबार एट लाहौर से किया था कि जो पंजाब वाला एरिया है वो आज के बाद किसका पार्ट बन गया है, ब्रिटिश एम्पायर का. क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एनेक्स्ड पंजाब, तो रेपिटेटिव क्वेश्चन आ गया कि लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट सिख रूलर ऑफ द पंजाब, पंजाब के आखिरी सिख रूलर कौन थे महाराजा दलीप सिंह, जो कि सबसे छोटे बेटे थे महाराजा रणजीत सिंह के. क्वेश्चन है, हु वाज अल बरूनी, राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय हिम, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिलोसोफर, संस्कृत स्कॉलर, बिसाइड बींग अ ग्रेट हिस्टोरियन हु केम टू इंडिया अलॉन्ग विद महमूद गजनी, तो महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आए थे. ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिलोसोफर, संस्कृत स्कॉलर, तो ये मतलब काफ़ी ब्रिलियंट पर्सन में, स्कॉलर्स में इनका नाम गिना जाता है. और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, तारिक ए हिंद. क्वेश्चन है, मेंशन द नेम्स ऑफ फोर स्कॉलर्स ऑफ महमूद गजनी स्रिगेन, जो महमूद गजनी यहाँ पे इंडिया में थे तो उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से स्कॉलर्स भारत आए, अलबरूनी, उत्बी, फिरदोशी, अंसारी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु रोट शाहनामा, फिरदोसी रोट शाहनामा, तो फिरदोसी ने लिखा था शाहनामा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज लखबख्श और लखदाता एंड वाई, किसको लखबख्श और लखदाता कहा जाता था और क्यों. कुतुबुद्दीन ऐबाक वॉज नोन एज लखबख्श और लखदाता बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी एंड लिबरलिज्म टुवर्ड्स द स्कॉलर. अब कुतुबुद्दीन ऐबाक को ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स थे वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लिबरल थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, उनकी मदद किया करते थे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द टू फेमस पोइट्स ऑफ बलबन स्रिगेन, तो बलबन जब यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उनके टाइम में से मेन पोइट्स थे अमीर खुसरो एंड अमीर हसन दहलवी. क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज शेख सदी ऑफ इंडिया, तो शेख सदी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, अमीर हसन दहलवी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट सफ़रनामा किताब उर रहला, तो किताब उर रहला और सफ़रनामा किसने लिखा था, इब्न बतूता ने. क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेशनल एंड स्टेट लैंग्वेज ड्यूरिंग द मुगल रूल, जब मुगल से यहाँ भारत में रूल कर रहे थे तो उस टाइम में कौन सी मेन भाषा थी,
पर्शियन। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द लिटरेरी एक्टिविटीज ऑफ द बाबर। तो बाबर जो थे पर्शियन, अरेबिक और टर्किश भाषा जानते थे। उन्होंने तुजक ए बाबरी लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में। क्वेश्चन है हु वाज द ऑथर ऑफ तुजक ए जहांगीरी। तो तुजक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम में इंपॉर्टेंट जो वर्क्स लिखे गए हों, एक है अकबरनामा और दूसरी है एन ए अकबरी। हिस्टोरिकल वर्क जो है अबुल फाजल ने लिखे थे, जो कि एक ग्रेट हिस्टोरियन, फिलोसोफर और स्कॉलर थे अकबर के कोर्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मुगल रूल। जब मुगल्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो कौन सी बुक्स को पर्शियन भाषा में कन्वर्ट किया गया था? महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, राजतरंगनी, पुराण, बाबर की जो बुक थी तुजक ए बाबरी और बाइबल की कॉपीज जो है, ये सारी चीज़ें जो है पर्शियन भाषा में कन्वर्ट की गई थी। क्वेश्चन है राइट द ऑथर्स ऑफ पदशाहनामा एंड शाहजहांनामा। तो ये बुक्स जो है किसने लिखी थी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। क्वेश्चन है हु कम्प्लीटेड कुतुब मॉस्क्यू एंड कुतुब मीनार। तो कुतुब मॉस्क्यू एंड मीनार का काम किसने स्टार्ट कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबाक ने, और कम्प्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मॉस्क्यू बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबाक एट अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबाक ने अजमेर के अंदर जो मस्जिद बनाई है उसका क्या नाम है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्वेश्चन है वेयर डज वन फाइंड द टॉम ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर की टॉम कहाँ पे है? शाद्रा में, जो कि जगह कहाँ पर है? ये लाहौर में। और किसने बनवाई थी ये टॉम उनकी? नूरजहां ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई शाहजहां कॉल द प्रिंस अमंग बिल्डर्स एंड इंजीनियर किंग। तो क्यों उन्हें इंजीनियर किंग कहते थे? क्योंकि उनके टाइम में बहुत सारी चीज़ें बनी है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, बहुत सारी जो मॉस्क्यूज़ है उन्होंने बनवाई थी, क्योंकि उनको आर्किटेक्चर का काम बहुत पसंद था, तो इसीलिए उन्हें प्रिंस अमंग बिल्डर्स या इंजीनियर किंग कहा जाता है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। All the best achievers. Have a nice day.